प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11th का जो डायलिंग प्लेनेट है इसको पूरा करेंगे। लेसन नंबर 5 है प्रोज में। इससे पहले हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा है कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने की एक किताब थी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जिसमें यह बताया गया था कि हमारे जो चार मुख्य जैविक प्रणाली है, जिसमें आते हैं समुद्री जीव, वन, घास के मैदान और कृषि भूमि, इसी पर जो है पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और जो ये हमारा जैविक प्रणाली है, इसमें जो है जो चार सिस्टम है, ये चारों सिस्टम जो है ज़्यादातर इंडस्ट्री को अपना रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, केवल दो इंडस्ट्री को छोड़ के। और वो दो इंडस्ट्री हैं हमारी मिनरल्स और पेट्रोलियम डराइव्ड सिंथेसिस। जितने भी पेट्रोलियम पे आधारित पदार्थ हैं या मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उन दोनों को छोड़ के, खनिजों और पेट्रोलियम के पदार्थों को छोड़ करके सभी इंडस्ट्रीज को ये अपने रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। कौन? जो पृथ्वी की जैविक प्रणाली है, जिसमें चार चीज़ें आते हैं, फिशरी आता है, फॉरेस्ट आता है, ग्रासलैंड आता है, क्रॉप लैंड आता है, ये इसमें बताएगा। और इसके आगे ये बताएगा कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड, डेजर्ट फॉलो। डेजर्ट्स माने रेगिस्तान और प्रिसीड माने पहले, फॉरेस्ट माने जंगल। इट हैज़ बीन वेल सेड, ये कहा गया है कि जो मनुष्य है उसके पहले जंगल आते हैं और उसके बाद में डेजर्ट आता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो जंगल है, जंगलों के पहले के बाद मनुष्य का जन्म होता है, और उसके बाद जब मनुष्य जंगलों का दोहन करता है तो वो डेजर्ट में बदल जाता है। अगर मनुष्य ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएगा मैनकाइंड और पर्यावरण ख़राब होगा तो जंगल ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद क्या बचता है हमारे पास? डेजर्ट बचता है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि मनुष्य के पहले ये हैं फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, और अगर वो उनका सही से दोहन नहीं करता तो उसके बाद वो सारे डेजर्ट में बदल जाते हैं, सुनसान या बंजर चीज़ में बदल जाते हैं, रेगिस्तान में बदल जाते हैं। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रीमनी ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres ए डे। अब इसमें बता कि जितने भी हमारे जो उष्ण कटिबंधीय फॉरेस्ट हैं, जो हमें पैतृक संपत्ति के रूप में मिले हैं, पैट्रीमनी मतलब पैतृक संपत्ति के रूप में जो विरासत में हमें मिले हैं, वो बहुत जल्दी इरोड हो रहे हैं, बहुत ही जल्दी नष्ट हो रहे हैं। और कैसे? 40 to 50 million, यानी कि 4 to 5 crore प्रति एकड़ पर वर्ष की दर से, यानी कि हर एक साल में 4 crore to 5 crore प्रति एकड़ के जो हमारे वन हैं वो सारे नष्ट होते जा रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ द डंग फॉर बर्निंग डेप्राइव द सोल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज। और जो हमारा डंग है, जो गोबर है, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है, वो भी उससे भी हमारी धरती वंचित है, क्योंकि इसको हम किस में यूज़ कर रहे हैं? इसको हम बर्निंग में यूज़ कर रहे हैं, इसको हम जलाने में प्रयोग करते हैं। तो जो गोबर है उससे हम उपले बना के इसको यूज़ कर लेते हैं, और जो हमारे ये गोबर जो है खाद का काम करेगी, नेचुरल फर्टिलाइज़र काम करेगी, उससे भी हमारी धरती वंचित रह जाती है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड दैट 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांडेड इन द ईयर 2004। तो ये बता कि जो हम ये कमेटी आई थी, ग्रीन रिवोल्यूशनरी कमेटी, इसने ये बताया कि जो 1994 में आई थी, इसमें ये बताया कि जो हमारे पेड़ कट रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने ये अनुमान लगाया कि जो हमारे पेड़ कट रहे हैं और जिससे हम ईंधन प्राप्त करते हैं, अपनी ईंधन की पूर्ति करने के लिए सन 2000 तक हमें 5 गुना पेड़ को लगाना पड़ेगा, तभी जाके हम अपनी ईंधन की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने ये चीज़ हमें बताई कि जो हम जंगलों का दोहन कर रहे हैं, जो से हम लकड़ी काट रहे हैं, जिसको हम जलाने में प्रयोग करते हैं, ये सन 2000 तक क्या हो जाएगा, 2000 तक अगर हमने 5 गुना पेड़ नहीं लगाए तो
जो है कुल मिलाके इस स्थिति से हम नहीं उबर सकते, हमारी पर्यावरण की समस्या दूषित ही होती रहेगी, पर्यावरण की समस्या से का हल नहीं निकाल सकते। आगे क्या कहा, जेम्स स्पेथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट सेड द अदर डे वी आर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर ए सेकेंड बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकर एंड हाफ ए सेकेंड। अब जेम्स स्पेथ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन संस्था के अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अगले दिन क्या कहा कि जो आप ये कह रहे हो कि हम जो पेड़ को खो रहे हैं पर एक सेकंड में कितना पेड़ खो रहे हैं, एक एकड़ पेड़ जो है हम हर सेकंड में खो रहे हैं, ये एक एकड़ न होकर के डेढ़ एकड़ पर सेकंड के हिसाब के नज़दीक है, यानी कि हम प्रति एक सेकंड में एक एकड़ की बजाय डेढ़ एकड़ के आसपास हम पेड़ को खो रहे हैं। आगे क्या लिखा है, द आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड विल लाइफ ऑफ द कंट्री। अब जो आगे क्या बताएगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये बताएगा कि जो हमारा आर्टिकल 48A है भारतीय संविधान का, जो ये संविधान है इसका जो अनुच्छेद 48A है, इसमें ये बताएगा कि द स्टेट शैल एंडेवर स्टेट को यानी कि सरकार को स्टेट राज्य को ये कोशिश करनी चाहिए टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, इस पर्यावरण को की रक्षा करनी चाहिए राज्य को का और उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ये बताया किसने, आर्टिकल 48A ने। एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड विल लाइफ ऑफ द कंट्री, मतलब राज्य को बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे प्रयत्न करने हैं जिसमें से जो है पर्यावरण की रक्षा और उसको इम्प्रूव करना, उसमें और तरक्की करना और जंगलों को बचाना, सेफगार्ड करना और वाइल्ड लाइफ को, ठीक है, तो वन्य जीव हैं उनको, जंगलों को, इनको हमें सुरक्षित रखना है और वातावरण को बचाने की भी रक्षा हमें करनी है। ये किसने कहा था, ये हमारे संविधान में लिखा है आर्टिकल 48A में, और इसको इसका काम है, जिम्मेदारी है स्टेट की, राज्य की या सरकार भी कह सकते हो। बट वाट कोज एंडलेस एंग्यूस इज द फैक्ट दैट लार नेवर रेस्पेक्टेड नोर एनफोर्स इन इंडिया, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो भारत है उसमें ला को न तो कभी रेस्पेक्ट दी जाती है और ना ही कानून को न तो भारत में माने जाते हैं, न ही इनको लागू किया जाता है, एनफोर्स करना मतलब उसको लागू करना, तो कानून की तो भारत में इज्जत होती है और न इनको ढंग से शक्ति के साथ लागू किया जाता है। फॉर इंस्टेंस माने उदाहरण के तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म अनटचेबिलिटी एंड बाउंडेड लेवर शैल बी एबोलिश, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि जो संविधान हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि जातिवाद है, छुआछूत है और बंधवा मजदूर है, उनको जो है उनको एबोलिश किया जाए, ठीक है, लेकिन उनको ख़त्म किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बट दे फ्लोरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये संविधान के 40 साल के बाद भी, संविधान ने जो नियम बनाया उसके 44 साल के बाद भी ये चीज़ें बेशर्मी के साथ अभी भी फल रही हैं, पनप रही हैं, यानी कि अभी भी जातिवाद है, अभी भी छुआछूत का केस देखने को मिलता है और बंधुआ मजदूरों का अभी भी प्रचलन चल रहा है। आगे देखो क्या लिखा है, ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द, हाँ तो आगे क्या लिखा है बच्चों, ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमेटी हैज हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ द इंडियाज फॉरेस्ट ओवर लास्ट 4 decades, और जो पार्लियामेंट्री एस्टिमेट कमेटी है, संसदीय आकलन समिति है, इसमें एक चीज़ हाईलाइट की गई, प्रकाशित की गई जो रिपोर्ट आई है कि जो हम पिछले चार दशकों से हम क्या कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट हैं उनका बहुत ही ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 billion एकर्स ए ईयर, और ये बताया कि जो इंडिया है, जो रिलायबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, विश्वसनीय डाटा हैं, उनके अनुसार ये पाएगा कि जो इंडिया है
वो जंगलों को 3.7 मिलियन एकड़ पर ईयर के हिसाब से उसको नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो विश्वसनीय आंकड़े हैं हमें ये बताते हैं कि भारत 37 लाख एकड़ प्रतिवर्ष की दर से जो है वनों को खो रहा है, समाप्त कर रहा है। लार्ज एरिया ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज द फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। और जो बहुत बड़े एरिया थे जिनको हमने ऑफिशियली ये घोषित कर दिया था कि ये जंगल हैं, वे अब पेड़ लेस हो गए हैं, उसमें यानी कि कहीं भी वन नहीं है, वो वन बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। तो इसमें यह बताया कि जो बहुत बड़े एरिया जो गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि ये तो जंगल घोषित कर दिया था उनको, ये जंगल की जगह है, वे भी अब जंगल नहीं रहे हैं, ट्री लेस हो गए हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ द फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाई द गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स। और जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, स्टेटिस्टिक्स हैं, उसमें क्या बता कि जो एक्चुअल लॉस है फॉरेस्ट का, वो जो गवर्नमेंट बता रही है उससे भी 8 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं उससे भी ज़्यादा, उससे 8 गुना ज़्यादा है अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उसका वो है, इतनी दर से जो है ये इतनी दर से पेड़ों को काटा जा रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, ए 3 years स्टडी यूजिंग द सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द नेशनल यूनाइटेड नेशंस वार्न दैट द एनवायरनमेंट हैज डिटेरियरेटेड सो बैडली दैट इट इज क्रिटिकल इन मैनी ऑफ 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। अब UNO ने क्या किया कि 3 साल की स्टडी की, 3 साल अध्ययन किया, किसके द्वारा, सैटेलाइट उपग्रह के द्वारा और एरियल फोटोग्राफी, ठीक है, हवाई फोटोग्राफी कराई और उपग्रह से फोटो के द्वारा उन्होंने 3 साल अध्ययन किया UNO ने। ठीक है, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र, UNO का मतलब संयुक्त राष्ट्र ने, और वार्न दैट द एनवायरनमेंट हैज डिटोरिएटेड सो बैडली, और हमें ये चेतावनी दी, ये वार्न किया हमें कि जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत ही बैडली डिटोरिएट हो रहा है, बहुत ही खराब तरीके से खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। और जो 88 कंट्री का इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसमें हवाई सर्वेक्षण किया था और जिसमें सैटेलाइट के द्वारा भी अध्ययन किया था, तो उसमें बताया कि जो 88 कंट्रीज का जिसका इन्वेस्टिगेशन किया गया वो सबसे क्रिटिकल कंडीशन में है, जैसे नाजुक जगह वहाँ पे सबसे नाजुक कंडीशन है एनवायरनमेंट की। अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। और इसमें एक फैक्टर और सामने आया, ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि जो पॉपुलेशन है ना वो सबसे बड़ा कारण है जो हमारे ह्यूमन सोसाइटी को, हमारी समाज को खराब बिगाड़ने में। तो ये बताएगा कि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि संसार की जनसंख्या में बढ़ोतरी भी जो है भविष्य में मनुष्य को बहुत ही डिटोरिएट करेगी, और ये सबसे शक्तिशाली कारण इसका बताया, किसका, पॉपुलेशन। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो ओवर पॉपुलेशन है वो भी सबसे बड़ा फैक्टर है इसका, जो हमारा समाज भी दूषित हो रहा है और हमारा पर्यावरण भी इससे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 million टू रीच द 1 billion। और आगे ये कह रहे हैं कि जो इसको 10 लाख वर्ष लगे 1 billion जनसंख्या पहुँचने में, 1 अरब की जनसंख्या पहुँचने में पूरी दुनिया को लगभग 10 लाख से ज़्यादा का समय लगा। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड ईयर 1800। और ये जो जनसंख्या थी, जो 1 अरब जनसंख्या थी, वो 1800 शताब्दी में थी। बाई द ईयर 1900 ए सेकेंड बिलियन वॉज एडिड। और अगले 100 साल में जो है ये 1 billion और बढ़ गई, यानी कि 1 अरब जनसंख्या और जुड़ गई उसमें, यानी कि 100 साल में 1 अरब जनसंख्या बढ़ी। द 20th century हैड एडिड अनदर 3.7 billion। और जो 20वीं शताब्दी आई, यानी कि अगले 100 साल में ये जनसंख्या डबलना होगा, 3.7 ज़्यादा और बढ़ गई, यानी कि टोटल जनसंख्या होगी 5.7 billion। द प्रजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड 5.7 billion। और जो आज की जो पॉपुलेशन है वो अब 5,70,00,000,000 हो गई है। ये कब की बात है, ये बात है आपकी जब ये कमेटी बैठी थी, अर्थात
77 के बाद की बात है, ठीक है। तो इसके आगे क्या हुआ, एवरी फोर डेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 1 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख जनसंख्या हमारी बढ़ जाती है 4 दिन में। तो ये बड़े चिंता का विषय है कि हमारी जनसंख्या भी पर्यावरण में, पर्यावरण को दूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आगे देखते हैं, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव। तो इसमें आगे ये बताएगा कि जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती है, एजुकेशन भी बढ़ती है और हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है, फर्टिलिटी फॉल्स। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, तो उसके हिसाब से जो है हमारी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। अर्थात फर्टिलिटी का मतलब संतान पैदा करने की, हम कम संतान पैदा करते हैं। कब? जब हम एजुकेट हो जाते हैं, जब हमारी इनकम बढ़ जाती है, इन सब को देख करके। दस द डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो एक बहुत ही अच्छा गर्भ निरोधक सिस्टम है। बट द डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन द नंबर कंटिन्यू। लेकिन जो ये डेवलपमेंट है ये भी संभव नहीं हो पाएगा अगर जनसंख्या हमारी इसी हिसाब से बढ़ती चली गई। आगे क्या लिखा है, द रिचर गेट्स रिचर एंड द पुअर बिगेट्स चिल्ड्रन विच कंडेम देम टू रिमेन पुअर। और अगर ऐसा होता रहा तो अमीर लोग और अमीर होते जाएंगे, एंड द पुअर बिगेट्स चिल्ड्रन, और बच्चे जो गरीब लोग हैं वो बच्चे पैदा करते रहेंगे, विच कंडेम देम टू रिमेन पुअर, और जो उनको हमेशा पुअर की स्थिति में बना के रखेंगे, यानी कि गरीब लोग हमेशा गरीब ही बने रहेंगे, वो केवल बच्चे पैदा करते रहेंगे, इसलिए वो अमीर हो ही नहीं सकते। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर। और ज़्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्कर हो गए, काम करने वाले आदमी ज़्यादा बढ़ गए, ऐसा नहीं है। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, इसका केवल मतलब ये है कि हमारे पास ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको कोई रोज़गार नहीं मिला। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट द ह्यूमन बींग इज ट्रीटेड लाइक कैटल। और ये भी सजेस्ट किया गया, ये भी सुझाव दिया गया कि हमें मनुष्य को जानवरों के समान नहीं ट्रीट करना चाहिए, कंपलसरी स्टरलाइज्ड, और ना ही उनका ज़बरदस्ती जो है नसबंदी कराई देनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी सजेस्ट किया गया कि मनुष्य को हमें मनुष्य की तरह ट्रीट करना चाहिए, एनिमल की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, और उसकी कंपलसरी नसबंदी नहीं करानी चाहिए, यानी कि वो खुद वॉलेंटियर होकर आगे आएँ तभी ज़्यादा अच्छा है, ज़बरदस्ती नसबंदी कराना ठीक नहीं है। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंटियर फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोरेशन। अब ये कह रहे हैं कि बिना जोर ज़बरदस्ती के ये भी संभव नहीं है कि लोग अपने आप ही वॉलेंटरली, अपनी स्वेच्छा से, वॉलेंटरली का मतलब स्वेच्छा से नसबंदी करा लेंगे, फैमिली प्लानिंग करा लेंगे। द चॉइस इज रियली बिटवीन द कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन एंड परपिचुअल ऑफ पॉवर्टी। वास्तव में जो हमारा चॉइस है, विकल्प है, वो किसके बीच में है, या तो हम अपने जनसंख्या को कंट्रोल कर लें, या तो अपनी पावर्टी को बढ़ाते चले जाएं। परपिचुअल का मतलब उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं, पावर्टी बढ़ती चले जाएगी, है ना, पावर्टी माने निर्धनता। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है पॉपुलेशन के बारे में, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टूडे, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अगर हम अमेरिका और अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, दोनों महाद्वीपों को, इनको की जनसंख्या को एक साथ मिला दे, तो भी भारत की जनसंख्या इससे ज़्यादा है। और कितनी है औसतन इसकी जो जनसंख्या है भारत की, वो 920 मिलियन है, यानी कि 92 करोड़ है, 92 करोड़ है। कब की बात हो रही, 1977 में, जब ये चीज़ें, ये जो दल बना था हमारा, उस समय की बात है 1977 में। तो अब तो आप 2020 चल रहा है, आप इमेजिन कर सकते हो कि भारत की जनसंख्या कितनी है, सभी लोग जानते भी हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ जो है, नानी पालकी वाला ने पहले ही सबको वार्न कर दिया था कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो बहुत सारे स्टेप उन्होंने इस पर्यावरण के बारे में उठाए हैं ताकि हमारी पृथ्वी
एक स्वच्छ हो सके, पर्यावरण रहित हो सके। तो इसमें इंडिया की जनसंख्या के बारे में लिखा कि जो बानवे करोड़ है उस टाइम पे, नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंगरी हटमेंट अनलेस द पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का मतलब है सबसे ज़्यादा प्राथमिकता, पॉपुलेशन कंट्रोल पे अगर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हमने नहीं दी तो हम जो है हमारे लोगों की जो आशा है, होप है, वो ऐसे ही झोपड़ियों में भूखे मरती रहेगी, ये आशंका जताई गई। अगर हम ऐसे ही अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो लोग ऐसे ही मरते चले जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न। और ये देखा गया कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न, कि हम ट्रांसेंडिंग कंसर्न का मतलब है कि हम जो है पहलू पे ज़्यादा कंसर्न नहीं है, ज़्यादा इस पर सोच नहीं रहे हैं। कि इसका दूसरा मतलब यह है कि मानव इतिहास में हम पहली बार जो है ये पहलू को पर विचार कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि मनुष्य हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कंसर्न इस पर जो ध्यान दिया गया कि हमें जो है मनुष्य के बजाय अपने प्लेनेट पर इस धरती को सर्वाइवल के लिए हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मनुष्य पर ध्यान देना ही है लेकिन उससे ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा अपनी इस पृथ्वी पर, क्योंकि अगर पृथ्वी स्वच्छ है, पर्यावरण रहित है, दूषित पर्यावरण नहीं है, तो तभी जाके मनुष्य ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वी हैव बिगेन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। अब हमने जो है अपनी जो हमारा अस्तित्व है उसका एक संपूर्ण व्यू लिया है, कंप्लीट व्यू हमने दृष्टिकोण से इसको देखा है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आवर डैमाइज। जो पर्यावरण की समस्याएं हैं वो डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल ऑफ आवर डैमाइज, जो हमारे मृत्यु की ओर संकेत ही नहीं करती। इट इज़ आवर पासपोर्ट टू फ्यूचर, ये हमारा भविष्य को भी निर्धारित करती है। तो इसमें बताया कि जो एनवायरमेंट की समस्या है वो केवल मृत्यु तक ही सीमित नहीं है, ये हमारा फ्यूचर या आगे आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करेगी। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ असर्ड इन द ईरा ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी। और आगे कह रहे हैं कि जो नया संसार आगे है उसका जो दृष्टिकोण है वो जिम्मेदारी वाले युग के अनुसार होना चाहिए, जिम्मेदारी वाले युग के जैसा होना चाहिए, यानी कि हम सभी को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ईरा माने युग, तो जो अगला युग है वो जिम्मेदारी वाला युग है। इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू एंड इज इलॉजिकल व्यू। तो क्या बताया, आगे बताया कि इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रल होल रदर देन द डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ द पार्ट। और जो हमारा अभी जो हमारा जो दृष्टिकोण है वो कंप्लीट दृष्टिकोण है, सर्वांगीण दृष्टिकोण है, और जिसमें हमने जो है इकोलॉजिकल व्यू लिया है, मतलब इकोलॉजिकल का मतलब होता है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, और उसमें हम पूरे संसार को एक मान रहे हैं, अलग अलग भागों के संग्रह की अपेक्षा हम पूरी चीज़ को जो है एक जगह संगठित कर रहे हैं, एक जगह मान रहे हैं। तो जो ये हमारा दृष्टिकोण है ये सभी चीज़ को एक समान मानने का है, जिसमें पर्यावरण भी है, जिसमें मनुष्य भी है, सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम एक साथ न, जो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था वो न कर करके उसको हम जो है सारे पहलू पे एक साथ उसको करेंगे। यानी कि पहले कुछ लोग इंडस्ट्री लगा रहे थे तो उन्हें पर्यावरण का ध्यान नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो अब हमने क्या किया है, अब अगर कोई इंडस्ट्री चलेगी तो वो ये भी ध्यान करेगी कि भाई हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। इंडस्ट्री चला रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि आप पर्यावरण को प्रदूषित करते रहेंगे, नहीं, उससे पहले आपको ये ध्यान करना है कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, ये इसका मतलब था। द इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशल रोल टू प्ले इन दिस व्यू न्यू ईरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट ट्रांसमिशन वुड बी अफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डू पॉइंट।
मिस्टर एडगार एस वुलर्ड हु 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. अब इसमें यह बताएगा कि जो इंडस्ट्री है हमारी, इंडस्ट्री भी जो है बहुत बड़ा रोल अदा करती है इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के युग में, इस जिम्मेदारी के युग में. ये जो इंडस्ट्री हैं, उद्योग हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है. उनको भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करना पड़ेगा ताकि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रह सके. वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड. और कितना ट्रांसफॉर्मेशन, कितना बदलाव, परिवर्तन आता यदि अवर बिजनेस मैन शेयर द व्यू ऑफ चेयरमैन डू पॉइंट. जो चेयरमैन डू पॉइंट हैं उनकी बातों को अगर हम ध्यान में रखते, बिजनेसमैन सभी लोग ध्यान में रखते, तो कितना परिवर्तन इसमें, परिवर्तन पर्यावरण में आता. मिस्टर एडगार एस वुलर्ड हु 5 years अगो डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी द कंपनी चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर. ठीक है, मिस्टर एडगार एस वुलर्ड जो 5 साल पहले अपने आप को कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर घोषित कर चुके हैं, ही सैड, उन्होंने क्या कहा, अवर कंटिन्यूज एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस. उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि अगर हम इंडस्ट्री को देखना चाहते हैं कि ये हमेशा लीड करती रहे, हमारी मैन्युफैक्चरर जो इंडस्ट्रीज हैं वो आगे से हमेशा आगे बढ़ती रहें, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम जो वातावरण के जो कार्य हैं उसमें भी अपना योगदान देते रहें, अर्थात वातावरण को भी हम अपनी ध्यान में रखें, वातावरण को भी हम बेहतर करें. तो ये जो निर्माता लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें जो है इस पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पर्यावरण के सुधारों को, बेहतर पर्यावरण के कार्यों को और बेहतर करना पड़ेगा. अब लास्ट पैराग्राफ आपका क्या बचता है. ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय द मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर प्राइम मिनिस्टर. जब मार्गरेट थैचर यूके की प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, नन है, उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे, उनमें से एक क्या था, नन हैज पास सो डिसिसिवली इनटू द करंट कोइन ऑफ इंग्लिश यूजेज एज हर फेलिसिटियस वर्ड. जो उनके जो फेलिसिटियस वर्ड का मतलब है, जो बहुत ही अप्रोप्रिएट वर्ड थे, बहुत ही उपयुक्त वर्ड थे. ठीक है, तो मार्गरेट थैचर जब यूके की प्रेसिडेंट बनी, ये प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने बहुत सारे अपने स्पीच दिए और उन स्पीच में सबसे डिसिसिव स्पीच था, सबसे जो अच्छा या निर्णायक स्पीच था, वो उन्होंने जो है इसके ऊपर दिया था, पर्यावरण के ऊपर. और उन्होंने क्या कहा था, नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि इस पृथ्वी पर किसी का भी स्वामित्व नहीं है, किसी का भी फ्री होल्ड नहीं है कि कोई भी आगे इसमें रह ले. ठीक है, या इसको सोचे कि ये मेरी है, आगे जनरेशन की नहीं है. ऑल वी हैव इज ए लाइफ टिनेसी, हम सभी क्या हैं, हम केवल इस पे जीने काश्तकार हैं. विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, और जो हमने ये पृथ्वी लीज पे ली है, पट्टे पे ली है, इसकी रिपेयरिंग करने की भी जिम्मेदारी हमारी है. यानी कि मार्गरेट थैचर ने जो स्पीच, बहुत सारे स्पीच दिए अपने शासन के दौरान, उसमें सबसे प्रभावशाली स्पीच ये था कि जो पृथ्वी है ये आप केवल आपकी नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों को भी है और हम सबकी है, और इस पे हम केवल एक किसान हैं, काश्तकार हैं, और जो ये पट्टा आपने खेती करने के लिए लिया है, इसकी रिपेयरिंग करने की भी जिम्मेदारी आपकी है. इन द वर्ड ऑफ द मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. और जो मिस्टर लेस्टर ब्राउन हैं, इन्होंने तो एक और ऊंची बात कही, इन्होंने कहा कि वी आर नॉट हेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर, हमने ये जो पृथ्वी है, ये जो भूमि है, अपने फोर फादर से विरासत में नहीं ली है, बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, लेकिन ये हमने अपने बच्चों से उधार ली है. कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी ये पृथ्वी है, जो हम ये पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हैं, पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, ये ना सोचे कि ये हमें विरासत में मिला है, ये हमारा ही है, नहीं, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी इतना इस पाक है, तो इसलिए हमें
अपने पर्यावरण पर, अपने इस प्लेनेट पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन आपका ख़त्म हो गया, और ये थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी हार्ड थी, बाकी कुल मिला के इसका जो इसका कंसर्न था चैप्टर का यही था कि हमें अपनी पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी के लिए, वातावरण के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें जो है ध्यान देना चाहिए। और आज की डेट में पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रहा है, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आजकल हमारा टेम्परेचर भी पृथ्वी का बढ़ रहा है, बहुत सारे जीव भी यहाँ से चले गए, और वनों का तो ये सोचो कि बहुत ज़्यादा सत्यानाश हो रहा है, वन तो जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में काटे जा रहे हैं। और इस प्रकार से जो है हमारा अगर पर्यावरण खराब हो गया तो इस पृथ्वी पर हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।